हनुमान जी या हम सब के प्रिय बजरंग बली, इनके चमत्कारों की कथाएं हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं। बजरंग बली अपने भक्तों के संकट मोचक हैं। काशी में संकट मोचन मंदिर इस बात का उदाहरण है। त्रेता युग से लेकर कलयुग तक बजरंग बली अपने चमत्कारों से भक्तों का कल्याण करते आ रहे हैं। हनुमान जी ही एक ऐसे भगवान हैं जो आज भी अपने भक्तों को दर्शन देते हैं और सारे दुखों का नाश करते हैं। यह कार्य वह कई विभिन्न रूपों में करते हैं। उनके कई चमत्कारिक मंदिर देश भर में स्थित हैं। इन्हीं में से एक है संगम किनारे लेटे हनुमान जी का मंदिर। अपने आप में अनोखे इस मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा खड़ी हुई नहीं बल्कि लेटी हुई अवस्था में विराजमान है। आखिर क्या वजह है कि यहाँ हनुमान जी लेटी हुई अवस्था में है? संगम के किनारे स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि संगम स्नान के बाद यहाँ दर्शन नहीं किए तो स्नान अधूरा माना जाता है। आइए जानते हैं कि क्या है हनुमान जी की इस प्रतिमा का रहस्य। माना जाता है हनुमान जी की यह विचित्र प्रतिमा दक्षिणाभिमुखी और 20 फीट लंबी है। यह धरातल से कम 6 से 7 फीट नीचे है। संगम नगरी में इन्हें बड़े हनुमान जी, किले वाले हनुमान जी, लेटे हनुमान जी और बांध वाले हनुमान जी के नाम से जाना जाता है। इस प्रतिमा के बारे में ऐसा माना जाता है कि इनके बाएं पैर के नीचे कामदा देवी और दाएं पैर के नीचे अहिरावण दबा है। उनके दाएं हाथ में राम लक्ष्मण और बाएं हाथ में गदा शोभित है। बजरंग बली यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएँ पूर्ण करते हैं। क्या है इस मंदिर का इतिहास? यह मंदिर कम से कम 600 से 700 वर्ष पुराना माना जाता है। बताते हैं कि कन्नौज के राजा को कोई संतान नहीं थी। उनके गुरु ने उपाय के रूप में बताया, हनुमान जी की ऐसी प्रतिमा का निर्माण करवाइए जो राम लक्ष्मण को नागपाश से छुड़ाने के लिए पाताल में गए थे। हनुमान जी का यह विग्रह विंध्याचल पर्वत से बनवाकर लाया जाना चाहिए। कन्नौज के राजा ने ऐसा ही किया और वह विंध्याचल से हनुमान जी की प्रतिमा नाव से लेकर आए। तभी अचानक से नाव टूट गई और यह प्रतिमा जलमग्न हो गई। राजा को यह देखकर बेहद दुख हुआ और वह अपने राज्य वापस लौट गए। इस घटना के कई वर्षों बाद जब गंगा का जल स्तर घटा तो वहां धूनी जमाने का प्रयास कर रहे राम भक्त बाबा बालगिरी महाराज को यह प्रतिमा मिली। फिर उसके बाद वहाँ के राजा द्वारा मंदिर का निर्माण करवाया गया। एक किद्वंती यह भी है कि लंका पर जीत हासिल करने के बाद जब हनुमान जी लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें थकान महसूस होने लगी, तो सीता माता के कहने पर वह यहाँ संगम के तट पर लेट गए। इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ लेटे हनुमान जी का मंदिर बन गया। मुगलों ने की तोड़ने की कोशिश। प्राचीन काल में मुगल शासकों के आदेश पर हिंदू मंदिरों को तोड़ने का क्रम जारी था, लेकिन यहाँ पर मुगल सैनिक हनुमान जी की प्रतिमा को हिला भी न सके। वे जैसे जैसे प्रतिमा को उठाने का प्रयास करते वह प्रतिमा वैसे वैसे और अधिक धरती में बैठी जा रही थी। यही वजह है कि यह प्रतिमा धरातल से इतनी नीचे बनी है। जय बजरंग बली, जय श्री राम।